हाय गाइस माय नेम इज़ भवेश और यार आज हम जानेंगे कि भैया सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं पिछली कुछ क्लासेस में हमने जाना कि भैया सिंक्रोनाइजेशन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है हमें प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अब हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं तो इसे अचीव करने के लिए हमें किन्नी कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और वो कंडीशन क्या होती हैं यही जानने वाले हैं आइए शुरू करते हैं तो यार ऐसी चार कंडीशन हैं सिंक्रोनाइजेशन उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कंडीशन क्या बोलते हैं ये देखते हैं तो यार क्रिटिकल सेक्शन के बारे में हम जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं हमारे शेयर्ड से बोलो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं ठीक है जैसे कि प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम के अंदर इन वेरिएबल और स्पूलर डायरेक्टरी थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर बफर और काउंट वेरिएबल था तो दीज आर अवर शेयर रिसोर्सेज इनको हम एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डाल देते हैं तो वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोल रहे भैया एक टाइम पर मान लो यहां से एंटर है और यहां से एग्जिट

दो प्रोसेस नहीं हो सकती एक ही प्रोसेस को अलाउ करना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को अलाउ कर दिया जाना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो मान लीजिए अगर ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और इसके अंदर कोई प्रोसेस पी वन है तो, तो ये तो सही है अगर ऐसा कोई क्रिटिकल सेक्शन है और इसमें पी वन भी आ गया किसी पॉइंट पर पी टू भी आ गया पी थ्री भी आ गया दिस इज रॉन्ग दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या करेंगे प्रोसेस को प्रेम्प्ट कर प्रेम देखेंगे कि एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में अगर हम दो प्रोसेस घुसा पाए दो प्रोसेसिस घुसा पाए तो वो सोलूशन गलत है अगर नहीं कर पाए तो वो सोल्यूशन सही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए बट अगली तीन कंडीशन भी उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तो पहली कंडीशन तो होगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी हमारे किसी भी सोल्यूशन को सिंक्रोनाइजेशन अचीव जो करना चाहता है किसी भी सोल्यूशन को यह कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ठीक है अगली कंडीशन होती है प्रोग्रेस अगली कंडीशन होती है प्रोग्रेस कि भैया हमारा प्रोग्राम जो है हमारा सोल्यूशन जो है प्रोग्रेस करता रहना चाहिए मतलब क्या है इस लाइन का इस लाइन का मतलब ये है मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन खाली है क्रिटिकल सेक्शन खाली है अभी कोई प्रोसेस नहीं है अभी कोई प्रोसेस नहीं है एक प्रोसेस आती है वो चाहती है यार मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती हूँ मुझे क्रिटिकल सेक्शन की जरूरत है मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाकर एग्जीक्यूट होना चाहती हूँ और क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पर खाली है और अगर हमारे सोल्यूशन ने इसे अलाउ नहीं किया और हमारे सोल्यूशन ने इसे अलाउ नहीं किया तो भैया वो प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता अगर क्रिटिकल सेक्शन में उस प्रोसेस को अलाउ नहीं किया गया जबकि क्रिटिकल सेक्शन एम है तो वो प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करता ठीक है तो यही लाइन लिखी है नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड बी ब्लॉक द अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चल रही है और उसे क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पे खाली है तो उसे दूसरी प्रोसेसेस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से ठीक है इफ देयर इज ओनली वन प्रोसेस ट्राइंग टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन देन डेफिनेटली इट शुड बी अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन ठीक है अगर एक ही प्रोसेसर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है और कोई जाना इन चाहिए क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो उसको अलाउ कर दो ठीक है अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है और क्रिटिकल सेक्शन उस वक्त पे खाली है तो किसी एक प्रोसेस को उनमें से किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना कंपल्सरी है प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए उनमें से किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं यार डेडलॉक हो सकता है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है अगर डेडलॉक है डेडलॉक के बारे में जानेंगे कि डेडलॉक होता क्या डेड लॉक होता क्या जानेंगे बट मैं ये पहले बता देता हूँ कि अगर डेडलॉक है इसका मतलब डेफिनेटली प्रोग्रेस नहीं है डेफिनेटली प्रोग्रेस नहीं है अगर डेडलॉक नहीं है प्रोग्रेस मे और मे नॉट बी प्रोग्रेस में और मे बी डेडलॉक नहीं होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि प्रोग्रेस हंड्रेड परसेंट है ठीक है बट डेडलॉक होना यह हंड्रेड परसेंट जस्टिफाई करते कि प्रोग्रेस नहीं है ठीक है तो यह होगी हमारी प्रोग्रेस नेक्स्ट कंडीशन है यार हाँ जी नेक्स्ट कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग नेक्स्ट कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग तो इसके बारे में हम जान चुके हैं स्टारवेशन में स्टारवेशन भी इसके बारे में हम जान चुके हैं कि भैया क्रिटिकल सेक्शन है कोई प्रोसेस आई पी वन अब इस प्रोसेस को अनलिमिटेड टाइम वेट नहीं करना पड़ना चाहिए अनलिमिटेड टाइम वेट नहीं करना पड़ना चाहिए इंडेफिनेट टाइम वेट नहीं करना पड़ना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए मतलब कि इस प्रोसेस को पी वन को पता ही नहीं कि यार मेरा नंबर कब आएगा तो बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए मतलब कि इस चीज पर बाउंड होना चाहिए कि भैया कभी ना कभी कभी ना कभी इस प्रोसेस को चांस जरूर मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का अगर ऐसा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा सोल्यूशन कर लेता है। हमारा सोल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर सकता अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि भैया हर प्रोसेस को मौका मिलना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का कभी ना कभी ये डिफाइंड होना चाहिए कि कभी ना कभी इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिलेगा अगर वेटिंग नहीं होती तो आपको पता है किस चीज़ को लीड करेगी स्टारवेशन को इस किस चीज़ को starvation को लीड करेगी स्टारवेशन वो प्रोसेस जो वेट करती रह गई हमेशा के लिए वो स्टारवेशन के लिए चली जाएगी वो स्टारवेशन के लिए चली जाएगी तो यही लिखा है नो प्रोसेस शुड फोर एवर वेट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन देस शुड बी बाउंड ऑन गेटिंग ए चांस टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस इज इन डेफिनेटली वेटिंग टू एंटर इन टू द क्रटिकल सेक्शन बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन इज ऑलवेज बिजी विद समोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन हमेशा किसी और प्रोसेस के साथ बिजी रहेगा जैसे कि प्रायोरिटी वगैरह में होता है कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती रहती है हाइयर प्रायोरटी वाली प्रोसेस आती रहती है आती रहती है तो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिलता तो ऐसी कभी सिचुएशन अक्कर नहीं होनी चाहिए हमारे सोल्यूशन के अंदर तो हमारी बाउंडेड वेटिंग सेटिसफाई हो जाएगी तो हमारी बाउंडेड वेटिंग सेटिसफाई हो जाएगी तो हो जाएगी. अब लास्ट कंडीशन क्या है लास्ट कंडीशन

प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा सोल्यूशन एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो सोल्यूशन इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है वो किसी भी प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर पर चल जाता है और कोई एक्जशन नहीं हार्डवेयर से रिलेटेड बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है देन हमारा सोलूशन एकदम सही है वो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है कैसे अचीव की जा सकती है किन कंडीशन को फॉलो अचीव करके अचीव की जा सकती है हमने जान लिया बट अभी सोल्यूशंस देखना बाकी है जो भी सोलूशंस बने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उन सोलूशन्स को वन बाय वन देखेंगे बहुत सारे टाइप के सोलूशन है जैसे कि सॉफ्टवेयर टाइप हो गए फिर उसके बाद आपके हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस हैं, और भी अदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिनको एक एक करके हम जानेंगे अगली क्लास में ठीक है थैंक यू